तो इस बॉक्स के अंदर वो चीजें जिसका हमें था इंतजार और आपको था इंतजार, तो हम बताते हैं इस बॉक्स के अंदर है क्या। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। लेकिन अब हमें सब दिखने लगा है। इसके अंदर फास्ट ट्रैक के रिफ्लेक्स ट्यून FT सीरीज के दो ईयरफोन, ये है FT4 एंड ये है FT3, और ये इनबिल्ट गेमिंग मोड के साथ आते हैं। मतलब आज पनीर डिनर होने वाला है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं भाई। तो पहले मसालेदार ईयरफोन को अनबॉक्स करते हैं। ये है FT3 और इसका जो प्राइस है बॉक्स के पीछे देखने के लिए मिलता है 2995 रुपीज, बट इन ईयरफोन्स का जो एक्चुअल प्राइस है वो सिर्फ 2695 है। बाय द वे यहाँ पर बॉक्स पर मेरे को ये मस्त चीज लगी कि इनके कलर्स का भी पता लग जाता है कि किस किस कलर में अवेलेबल है। हमारा रामपुरी तैयार है, हैप्पी बर्थडे हो चुका है आज इसका। एंड बॉक्स के ऊपर ही भाई देखने के लिए मिलता है फास्ट ट्रैक की यूजर मैनुअल। यहाँ पर केबल दी गई है टाइप सी वाली, मतलब इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है। एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप भी दी गई है इसके अंदर। बाकी अब चलते हैं ईयरफोन्स की तरफ। वेट ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। ओह माय गॉड, यहाँ पर आपको एलियन वाली आइज मिल जाती हैं। एंड जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना, ये ठीक लग रही है फर्स्ट इंप्रेशन में। ओह वाओ, खुलने का तरीका भी काफ़ी सही है। और ये रहे ईयरफोन्स, तो मैं इन्हें चेक करके मिलता हूँ। FT3 के बॉक्स के अंदर तो देख लिया क्या है, अब इसके बड़े भाई के बॉक्स के अंदर देखते हैं FT4 के अंदर क्या क्या है। और इसके बॉक्स पे जो प्राइस लिखा है ना, ये लिखा है 4495 रुपीज़, एंड अगेन जो भी इसका प्राइस होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। वाओ, एंड इस तरीके की जो पैकेजिंग है मेरे को मस्त लगती है, प्रीमियम फील दे रहे हैं भाई ये। अंदर की तरफ आपके लिए गिफ्ट है, ईयरफोन्स दिए गए हैं भाई बॉक्स के अंदर। यहाँ पर मैट फिनिश दिया है भाई, मेरी फेवरेट चीज़। मतलब इस पर आपको ना तो स्मजेस देखने के लिए मिलेंगे, ना ही ईजिली स्क्रैच देखने के लिए मिलेगी। एंड ईयरफोन्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर फास्ट ट्रैक का लोगो भी मिल जाता है, तो इनकी बात भी हम अगेन बाद में करेंगे। बाकी देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या सामान है। कितने सही तरीके से मतलब सजा कर रखे हैं इन्होंने सिलिकॉन ईयर टिप को, मस्त है ये भी। बाकी इसके अंदर भी आपको यूजर मैनुअल मिल जाती है एंड USB 2 Type-C केबल। तो दोनों की अनबॉक्सिंग तो हो गई है, अब इनकी टेस्टिंग करके मिलता है थोड़ी देर में। दोस्तों मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई थी कि आयरन मैन मूवी मेरे पर ही बनी है। देखो मेरा आर्क रिएक्टर, अंदर नहीं दिखा सकता, समझो बात कुछ भी। एंड जो लोग इसको मजाक समझ रहे हैं ना, मैं आपको गैजेट दिखाता हूँ आयरन मैन का। ये रहा मेरे पास आयरन मैन के ईयरफोन, एंड इनमें ना लाइट भी ग्लो हो रही है। देखो क्या मस्त लाइट ग्लो हो रही है। और फास्ट ट्रैक ने भाई यहाँ पर काफी सही लाइट इंप्लीमेंट करी है, ये गेम वाली पूरी थीम देते हैं। और जब आप इन्हें चार्जिंग पर लगाओगे ना, या ऐसे खोल के बंद करोगे, जब ये ग्लो करती है। और अब बात करें इनकी बिल्ड की, तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से दोनों की बिल्ड काफी सही है, बट यहाँ पर FT4 की जो मैट फिनिशिंग है ये मेरे को ज्यादा अच्छी लगी है, थोड़े से ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। और दोनों यहाँ पर आप ऐसे तो चापे लगाकर फील भी कर सकते हैं। और FT3 के कंपैरिजन में FT4 का जो केस है थोड़ा बड़ा है, बिकॉज इस पे क्लियरली मेंशन है कि इसके अंदर 800mAh की बैटरी दी गई है, एंड ईच ईयरफोन 70mAh की बैटरी कैरी करता है। तो यहाँ पर इसी वजह से FT3 के कंपैरिजन में FT4 का केस थोड़ा सा भारी है, बट दोनों को ही आप मस्त कैरी कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। और इसी की वजह से जो FT3 का बैटरी बैकअप FT4 के कंपैरिजन में कम है, FT3 का बैटरी बैकअप है 28 आवर्स का विद केस, FT4 का बैटरी बैकअप है 40 आवर्स का विद केस। तो बड़ी बैटरी बड़ा कमाल। अब दोनों ENC की शक्ति के साथ आते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। और इससे क्या होगा, लाइक मैं ईयरफोन को यूज कर रहा हूँ और मेरे अभी रूम के अंदर फैन ऑन है, तो इसकी आवाज नहीं आती लगाने के बाद, और मेरा म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा। और जैसे कि हम बाहर आ गए, हमारे पीछे रोड है और ट्रैफिक मस्त चल रहा है, और जैसे मैं इन्हें लगा लूंगा ना, काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइस कट हो जाती है, बैकग्राउंड नॉइस को काफी हद तक कट कर देते हैं, और हमारा म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होता इनके साथ। बाकी इनकी फिटिंग की बात करें तो आप इन्हें मस्त लगाकर रॉकस्टार वाले गाने सुन सकते हो। मैं दिखाता हूँ, ये कान से नहीं निकलते और आप इन्हें लगाकर जिम भी कर सकते हो। और जिम में आप इन्हें इसलिए भी यूज कर सकते हो बिकॉज दोनों IPX रेटिंग के साथ आते हैं। और यहाँ पर FT3 आता है IPX6 रेटिंग के साथ, एंड FT4 आता है IPX4 रेटिंग के साथ, तो मस्त जिम के अंदर यूज किए जा सकते हैं। एंड दोनों ईयरफोन्स को जैसे आप केस से बाहर निकालोगे ना भाई, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, इतनी तेजी से कनेक्ट हुए हैं। अब सारी स्मार्टफोन की कंपनियां 3.5mm जैक का गड्ढा हमसे छीन रही हैं, तो गेमर्स लोग नहीं झुकेगा हमें। यहाँ पर FT3 जो है ये गेम मोड के साथ आते हैं, तो अभी हमने गेम मोड ऑन नहीं किया, एंड मैं दिखाता हूँ, लेटेंसी अच्छी मिल जाती है। अब हम गेम मोड ऑन कर लेते हैं। अब गेम मोड ऑन हो चुका है, एंड लेटेंसी आप देखना। तो यहाँ पर वायरलेस ईयरफोन के हिसाब से ना काफ़ी कम लेटेंसी देखने के लिए मिलती है, एंड इस प्राइस रेंज के अंदर मैं इन्हें बेस्ट बोल सकता हूँ, और आप इसके अंदर ना कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं इन ईयरफोन्स की मदद से। अब FT4 के पास भी एक एडवांटेज आ जाती है, इसके अंदर क्वालकॉम की चिप है, जिसकी मदद से क्या होगा ना, कॉलिंग क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है। अब अगर आप भीड़ में भी इससे कॉल पर बात करते हो तो बैकग्राउंड नॉइस को काफ़ी हद तक कट कर देता है, एंड वोकल पर मेन फोकस रखता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कि ईयरफोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, साउंड क्वालिटी। तो FT3 के अंदर 10mm का ड्राइवर है,
54 के अंदर 6mm का ड्राइवर, तो ड्राइवर पर मत जाओ, काम पर जाओ। यहाँ पर FT3 की साउंड क्वालिटी सही है, इसके अंदर बेस मस्त मिल जाता है, बट इसका जो मेन फोकस है वो वोकल्स पर है, क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक ईयरफोन है। और अगर मेरे दोस्त का रिवाइव चाहिए और वो मुझसे बोल रहा है भाई रिवाइव दे और मुझे साउंड नहीं आ रही है, तो किस बात के गेमिंग ईयरफोन, तो यहाँ पर इसके अंदर वोकल पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। वहीं पर FT4 प्रॉपर साउंड के लिए बने हुए हैं भाई, आप इसके अंदर मस्त म्यूजिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका बेस कमाल का है, ट्रैवल मस्त मिल जाता है, एंड वोकल पार्ट तो है ही। तो FT4 की जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है प्राइस के हिसाब से। बाकी दोनों के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल सेम मिल जाती है, आप दोनों के अंदर ही म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, इवन आप दोनों के अंदर वॉइस असिस्टेंट भी यूज कर सकते हो। मेरे पास आईफोन है, उसके अंदर सीरीज के साथ काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर इनकी कैपेबिलिटी काफी सही है। बट यहाँ पर जो दोनों के कंट्रोल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। लाइक FT3 के अंदर अगर मेरे को वॉल्यूम कंट्रोल करनी है तो इस पर मेरे को लॉन्ग प्रेस करना होगा, FT4 में वहीं पर सिंगल टैप में मैं वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड वॉइस असिस्टेंट यूज करने के लिए FT3 के अंदर ट्रिपल टैप और FT4 के अंदर लॉन्ग प्रेस। और दोनों ईयरफोन्स को आप मोनोपोड मोड में यूज कर सकते हो, मतलब सिंगल ईयरफोन यूज करके आप कॉल को अटेंड कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप गेमिंग ईयरफोन ढूंढ रहे हो विद गुड साउंड क्वालिटी तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, FT3 आपको ये दोनों ही चीजें मस्त ऑफर करता है। वहीं पर आपको तगड़ी साउंड क्वालिटी के साथ साथ अच्छी बिल्ड चाहिए तो यहाँ पर FT4 आपको ये दोनों ही चीजें तगड़ी ऑफर करता है, एंड दोनों का ही बैटरी बैकअप काफी सही है। और ये ईयरफोन बड़े तो इनका थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैगा टू वॉच योर हार्ट फील स्टेडियम विद एचवीएन बॉक्स गाइस।